गाइज वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मौज मस्ती ब्लॉगर। एक बार फिर हूँ मैं आपके साथ आपका दोस्त शशि समीर। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग हैं पटना के जाने माने इलाके यानी कि पटना जंक्शन के पास हम लोग अभी मौजूद है और यहाँ हम लोग सुबह का नाश्ता से आज का दिन शुरुआत करने वाले हैं। पटना जंक्शन में ये दुकान काफ़ी वर्षों से चल रहा है और यहाँ का रिव्यू मैं क्या बताऊँ, लोग यहाँ हमेशा यहाँ आते हैं और सुबह का जो शुरुआत होता है इस दुकान से ही करते हैं। तो चलिए इस दुकान को मैं आपको दिखाता हूँ। हम लोग अभी नाश्ते वाले दुकान पर पहुंच चुके हैं और आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से यहाँ पर आए दिन काफ़ी लंबी कतार लगी रहती है और लोग बहुत मात्रा में यहाँ आते हैं और यहाँ के स्वादिष्ट पकवानों का, स्वादिष्ट नाश्तों का यहाँ का शुरुआत करते हैं। तो हेलो भैया, कैसे हैं आप? बस ठीक है भैया। ये दुकान कितने सालों से चल रही है? हम लोग का दूसरा पीढ़ी है, 50 साल से ऊपर हो गया है। तो सुबह का नाश्ता क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मिलता है भैया? 4 पूरी, 2 जलेबी, 1 दही बड़ा, रायता, सब्जी मिलता है इसमें। और क्या उस नाश्ते का दाम क्या लगता है? 35 रुपया प्लेट है। अगर किसी प्रकार कोई दही नहीं खाना चाहते हैं तो उसके जगह पूरी भर जाता है या जलेबी भर जाता है, 35 रुपये ही थाली लगता है। केवल मात्र 35 रुपये में आप भर पेट नाश्ता कर अपने दिन का शुरुआत कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास नाश्ते की थाली आ चुकी है। ये पूरी हो गई और चने की सब्जी हो गई और ये हो गया रायता और एक जलेबी। तो काफ़ी मात्रा में बहुत सारी चीज़ें हैं। काफ़ी शानदार है और कई मायने में देखा जाए पूरी तरह से सॉफ्ट भी है। पूरी की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो दिन की शुरुआत करना चाहते हैं कि दिन की शुरुआत अच्छी तरीके से करें तो पटना जंक्शन के पास ज़रूर आएँ और नाश्ते की शुरुआत इस दुकान से करें। सच मायने में आपका दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। ये टेस्ट और क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है और आप भी आएंगे तो बहुत अच्छा लगने वाला है। और केवल 35 रुपये में आज के समय में जहाँ महंगाई, जहाँ पेट्रोल की रेट कहाँ से कहाँ जा रही है, उस समय में भी आपको 35 रुपये में एक अच्छा पकवान, एक अच्छा नाश्ता आपको मिल रहा है, तो कई मायने में बहुत अच्छा आपका पैसा वसूल है। आप ज़रूर आएँ और इस दुकान में ज़रूर विज़िट करें। ये दुकान तक आने के लिए आपको आना पड़ेगा, पटना जंक्शन के जस्ट बगल में ही ये दुकान मौजूद है और यहाँ पर आइएगा। ये दुकान आपको दूर से ही नज़र आ जाएगा और नाम भी रखा गया है नाश्ता दुकान के नाम पर। किसी से पूछ लीजिएगा नाश्ता दुकान मुझे जाना है। नाश्ता कब से उपलब्ध हो जाता है? 6:30 बजे। इसके बनाने के लिए कितना समय लगता है आपको? बनाने में है जब 3 बजे भोर में उठते हैं तो 3 घंटा लगता है तैयारी करने में। क्वालिटीज़ के बारे में बात की जाती है, क्वालिटीज़ में मतलब कैसा क्वालिटीज़ आप यूज करते हैं? ऐसा है कि हम लोग जो भी है मर मसाला अपना पिसाते हैं, किसी तरह का कोई बाजार से सामान नहीं लाते हैं और जो सामान लाते हैं उससे ब्रांडेड लाते हैं। ISI मार्का का लाते हैं, जैसे स्कूटर टेप हो गया, वेट चॉइस रिफाइन हो गया, ये जो भी है सत्तू वगैरह का यूज़ करते हैं, सिलिकॉन सत्तू का यूज़ करते हैं और रेडीमेड कोई सामान नहीं लाते। आपकी सेहत का पूरा ख्याल रखा गया और सही मायने में यहाँ पर हर एक चीज़ों का सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। तो
मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ का रिव्यू, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने यहाँ का नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद यहाँ की क्वालिटीज़, चाहे वो कचौड़ी की क्वालिटीज़ हो, चाहे वो उसकी सब्जी की हो, चाहे वो जलेबी की हो, चाहे वो बिंदी की हो, वो सारे चीज़ यहाँ की बहुत अच्छी क्वालिटीज़ और बहुत अच्छे मायने में मुझे अच्छा लगा है। तो आशा करते हैं कि ये ब्लॉग को भी आप ज़रूर पसंद करेंगे, और अगर आपको इस ब्लॉग को पसंद आता है तो ज़रूर लाइक बटन को दबाएँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं गाइज एक नए ब्लॉग में, टिल देन बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।